ओम शांति। तुम हो दीपक, मैं परवाना, मैं हूं तन्मयता, तुम गाना, तुम पागलपन, मैं दीवाना, बिना तुम्हारे जीवन निरस, सुमनहीन मधुमास, मेरे उर में बस जाओ तुम, बस के उर की प्यास, अपना हृदय उदार बिछा लो, अपने में अब मुझे मिला लो, मुझे मिटा दो, मुझे बना लो, मुझे बना लो। कवि अपने आप को समर्पित कर रहा है कि मैं ना रहूं, केवल तुम रह जाओ, मैं ना बचूं, केवल तुम बच जाओ, मुझे मिटा दो, मुझे मिटा दो, मुझे मिटा दो, मेरा ये जो मैं है वो तुझ में, तुम में समा जाए। एक नवयुवक एक आश्रम में आध्यात्मिक शिक्षा के लिए प्रवेश करता है और वो आश्रम, वो गुरुकुल बहुत बहुत बड़ा है और वो वहां देखता है यहां की, यहां तो अध्यात्म की कोई शिक्षा ही नहीं है। जैसे सुना था यहां पर तो तलवार चलाना सिखाया जा रहा है, यहां ढाल, तलवार, अस्त्र, शस्त्र, युद्ध, युद्ध की तैयारी, इन्हीं बातों की शिक्षा दी जा रही है, जबकि हमने सुना था यहां तो अध्यात्म का मार्ग सिखाया जाता है। और वो जब उस गुरुकुल में दाखिल होता है तो उसे काम दिया जाता है, जिस डिपार्टमेंट में उसे रखा जाता है उस डिपार्टमेंट में, वहां बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जैसे मधुबन में है, तो जो डिपार्टमेंट उसे दिया जाता है वो होता है शास्त्र कॉपी करना, लिखना, जो पुराने शास्त्र हैं उसी की कॉपी बनाना। उस समय फोटोकॉपी, जेरोक्स मशीन ये सब नहीं था, तो वहां के जो छात्र होते थे उनको पुराने जो ग्रंथ है उनसे कॉपी करके उसकी कॉपीज बना के रखनी होती है लाइब्रेरी में, तो उसे भी वो काम दिया जाता है। तो वो ये देखता है कि वो जिस बुक से कॉपी कर रहा है वो किसी और बुक की कॉपी है, ओरिजिनल नहीं है, तो उसे बहुत दुख होता है और ऑब्जेक्शन होता है मन में कि ये मैं क्या कर रहा हूं। और वो हेड ऑफ द मोनेस्ट्री, मठाध्यक्ष के पास जाता है और कहता है कि हम लोग जिससे कॉपी कर रहे हैं वो भी किसी और बुक की कॉपी है, ओरिजिनल कहां है। तो मठाध्यक्ष कहते हैं, अरे तुमने तो बहुत अच्छी पॉइंट बताई, ये तो आज तक हमने सोचा ही नहीं कि ओरिजिनल किताब है कहां। वो व्यक्ति कहता है, वो स्टूडेंट कहता है कि हो सकता है कुछ गलती हो जाए, कि पहली बुक से दूसरी बुक में कॉपी होते गलती हो जाए, फिर तीसरी बुक, और वही गलती सदियों से दोहराई जा रही है और हमको पता ही नहीं हम कर क्या रहे। तो वो मठाध्यक्ष एकदम शॉक हो जाता है, कहता है एकदम ये बात हमने आज तक नहीं सोची। वो सीधा वो क्या कहते हैं उसको, तलघर, स्टोर हाउस में घुसता है और उधर से सबसे ओरिजिनल जो किताब होती है उनकी, आश्रम की, वो निकालता है और वहां बैठ के रोना लगता है पढ़ते पढ़ते, क्योंकि एक गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो गलती ये हुई कि ओरिजिनल किताब में लिखा था भगवान के मार्ग में जाना है तो यू हैव टू सरेंडर, और वो गलती लिखते लिखते लिखते, कॉपी करते 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 करते, स्टूडेंट्स ने एक किताब से दूसरी किताब, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, करते 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 एक ने उसको अलेक्जेंडर बना दिया, सरेंडर अलेक्जेंडर। तो फिर धीरे धीरे शिक्षाएं बदलती गई कालांतर में, क्योंकि सदियों से चालू थी संस्था, और करते करते उनको लगा हमें सिकंदर जैसा बनना है।
और फिर शस्त्र अस्त्र लाए गए, और तब से भगवान को अगर पाना है तो सिकंदर बनना है तो यू हैव टू बिकम अलेक्जेंडर इफ यू वांट टू गो टू गॉड। या अगर गॉड के पास जाना है तो सरेंडर छूट गया और अलेक्जेंडर बनना है, ये किताबों में आने लगा। और फिर उन्हीं अनुसार आगे आगे करते करते वर्तमान में इसके लिए वो मठाध्यक्ष सिर पे हाथ रख के बैठ जाता है, ये हम क्या कर रहे हैं। दो तारीख की मुरली थी, वरदान था, क्या था क्या था, सरेंडर अर्थात श्रीमत के अंडर। तो आज हम इसी शब्द पर चर्चा करेंगे। अलेक्जेंडर नहीं सरेंडर अंग्रेजी शब्द है, और पाश्चात्य जगत में इस शब्द के अर्थ कुछ और होते हैं, और भारत में या फिर पूर्व में इस शब्द के अर्थ कुछ और है, पश्चिम में इसके अर्थ दूसरे हैं, और हमारे यहां इसके अर्थ दूसरे हैं। संसार में उधर पश्चिम में इसका अर्थ होता है हार मान जाना। जापान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, अर्थात हार मान ली। अध्यात्म में इसके अर्थ दूसरे होते हैं, समर्पण कर देना, अर्थात अपने आप को स्वाहा कर देना, अपने आप को हवाले कर देना, अपने आप को किसी के अर्पित कर देना, अर्थात शरणागति चले जाना। शरणागति बड़ा ऊंचा शब्द है भक्ति मार्ग का, अपने आप को सौंप देना, न्योछावर कर देना किसी के प्रति। तो भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म या पूर्व का जो अध्यात्म में उसके अर्थ बदल जाते हैं, पश्चिम का जो अध्यात्म, पश्चिम जगत में सरेंडर शब्द के अर्थ कुछ और है, यहां उसके अर्थ कुछ और है। तो बाबा ने उस मुरली में एक परिभाषा दी सरेंडर की, कौन सी, श्रीमत के अंडर। पर ये एक ही परिभाषा नहीं है, इसकी बहुत सी परिभाषाएं हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। और उससे भी पहले वृंदावन में दिखाया है श्री कृष्ण जाते हैं, एक एक पेड़ से मिलते हैं, एक एक पेड़ से बात कर रहे हैं, और अंततः बांस का जो पेड़ है बांबू उससे मिलते हैं और कहते हैं कि मुझे एक वस्तु चाहिए। वो बांबू का वृक्ष, वो बांस का वृक्ष कहता है क्या, कृष्ण कहता है मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए, मुझे दे दो। वो कहता है और कोई ऑप्शंस, कृष्ण कहता है नहीं तुम चाहिए, और उसको काट के ले जाता है और उसके बाद में उसमें छेद करता है, बहुत दर्द होता है, आंसू आ जाते हैं, किसको, बांबू को। एक एक छेद करते हुए बहुत दर्द होता है उसको, और उसके बाद में वो एक बांसुरी बन जाती है। गोपिया इस बांबू के पास जाती है, कहती है कि हम लोग गो से उस गोविंद का प्यार है, पर हमसे प्यार होने के बावजूद भी हमारे साथ वो 24 घंटा नहीं रहता है, वो केवल तुम्हारे साथ 24 घंटा रहता है, हमारे साथ थोड़ा देर रहता है फिर चला जाता है। ऐसा तुम में क्या है कि वो तुमको हमेशा ही अपने होठों से चिपकाए रखता है। वो बांस का वृक्ष कहता है क्योंकि मैंने क्या किया, समर्पण, और समर्पण करते समय क्या हुआ, बहुत दर्द, खून, बहुत खून आया, बहुत दर्द हुआ, बहुत पीड़ा हुई, पर ये सब कुछ मैंने क्या किया, सहन किया, और सहन किया इसीलिए मैं भगवान के होठों से निरंतर चिपकी हुई रहती हूं।
जो भाग के उन गऊओं को भी नहीं है, उन गोपियों को, गोप को, किसी को भी नहीं है उसके साथ रहने का। वो भाग्य केवल इस मुरली को है, इस बांसुरी को है, इस फ्लूट को है, और किसी को नहीं है। समर्पण की जो प्रोसेस है उसमें क्या है? चेत, दर्द, पीड़ा है। तो संपूर्ण जीवन को अर्पित कर देना, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए, अब मोह सारे त्याग हुए, अब एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण। ज्ञान मार्ग में शब्द प्रयोग किया जाता है समर्पण, भक्ति मार्ग में शब्द प्रयोग किया जाता है शरणागति। शरण कमल मैं तेरी शरण में आया हूं। बाबा भी शब्द प्रयोग करते रेफ्यूजी, जैसे कोई रेफ्यूजी होते, शरणागत होते, शरणागति लेने आ जाते हैं। उसीलिए जैसे तुम यहां पर बाप के पास आए हो, किस लिए? शरणागति। एक कोई साकार मुरली पूरी शरणागति के ऊपर है कि तुम बाप के पास किस लिए आए हो? शरणागति के लिए आए हो। बाप समर्थ है इसलिए तुम शरणागति के लिए आए हो। अब अविरत रहा भटकता अब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, भटकू और अभी मैं कब तक, भटकू और अभी मैं कब तक, पालू केवल तुझको ही मां। यहां भगवान को अलग अलग रीति से याद करते हैं, और एक संबंध उसके साथ जो जोड़ा है भक्तों ने वो है मां का, और कहता है कि हे मां मैं तेरी शरण में आया हूं। अब तक बहुत भटकता रहा, अब और कितना भटकू, अविरत भटकता ही रहा, भटकता ही रहा कंटिन्यूस, अब और कितना भटकू, पालू केवल तुझको मां, एक यही मेरी लगन, तेरे चरणों हो पर हो अर्पण, मेरे जीवन के गुण और अवगुण, सारी व्यथाएं दूर करो मां, सारी व्यथाएं दूर करो मां, हो कुसुमित मेरा नंदन, मेरा ये जो नंदन वन है फिर से पुष्पों से कुसुमित हो जाए, पुष्पित हो जाए, मेरा जीवन तेरी शरण। तो ये जो शरणागति है इसके क्या अर्थ है, और ये जो स्वामी सरेंडरानंद है, आनंदकंद स्वामी सरेंडरानंद, उसके जीवन में क्या होना चाहिए? ऐसे सरेंडर शब्द की 14 परिभाषा है। एक परिभाषा बाबा ने उस दिन दे दी, बाकी जो 13 है उसकी चर्चा हम करेंगे। मेरा जीवन तेरी शरण, 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 मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, सारे त्याग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन,
मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। अविरत रहा भटकता अब तक, घट तू और अभी मैं कब तक, अविरत रहा भटकता अब तक, घट तू और अभी मैं कब तक, पालू केवल तुझको ही मां, पालू केवल तुझको ही मां, पालू केवल तुझको ही मां, एक यही मेरी है लगन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन। सबसे पहली परिभाषा सरेंडर की, श्रीमद के अंडर, मर्यादाओं के अंडर। मर्यादाएं हमारे लिए क्या है, किला है। जैसे ही इस किले से बाहर जाएंगे विकर्म होना चालू होंगे, जैसे ही इस किले से बाहर जाएंगे विकर्म होंगे, पाप होंगे, और उनका पश्चाताप बहुत ज्यादा होगा। और यदि ब्राह्मण जीवन पश्चाताप में व्यतीत हो रहा है तो तपस्या कब होगी, क्योंकि पश्चाताप तपस्या करने देता नहीं। पश्चाताप के आंसू तपस्या नहीं करने देते, रोती रहती है आत्मा, आंसुओं के सरोवर में डूबी रहती है। पुरुषार्थ कहां से होगा, विश्व कल्याण कहां से होगा, क्योंकि बार 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 एक ही विकर्म, बार 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 न चाहते हुए भी विकर्म ही खींच रहा है अपनी तरफ। हम चाहते नहीं है कि करे, पर वो खींच रहा है, पता नहीं कैसा अद्भुत आकर्षण है उसमें। अपने आप हम जा रहे हैं, अजगर बैठा हुआ है, मनोविज्ञान कहता है जब शिकारी जंगल में जाता है शिकार करने, शिकारी शिकार को नहीं ढूंढता है, वो शिकार अपने आप भयभीत होकर सम्मोहित हो जाता है उस शिकारी से। सामने आता है, भाग नहीं पाता है, भाग सकता है, शक्ति है उसमें, पर नहीं भागता है, क्योंकि वो शिकारी का भय उसे सम्मोहित कर देता है, हिप्नोसिस, हिप्नोटिज्म हो जाता है। और अजगर कहीं जाता है क्या, एक जगह बैठा रहता है, उड़ते हुए पक्षी ऐसे सम्मोहित हो जाते हैं उस अजगर से कि उसके मुंह में खींचे चले जाते हैं। सम्मोहन है, अजीब सा सम्मोहन है। इस तरह विकारों में भी अजीब सा सम्मोहन है, विकर्मों में भी सम्मोहन है। एक बार विकर्म किया कि वो विकर्म खींचते रहता है, विकर्मों में एडिक्टिव नेचर है, लत की तरह है, वो खींचता है, वो इच्छा होती है कि फिर करूं। पुराने अनुभवों ने आंसू दिलाए, परंतु फिर भी एंड येट फिर भी। सरेंडर अर्थात श्रीमत के अंडर, सरेंडर अर्थात श्रीमत अनुसार, सरेंडर अर्थात मर्यादाओं के अंदर। मर्यादाओं की लकीर क्रॉस की, फिर कंफ्यूजन, फिर समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करूं, किससे पूछूं। और ये सारे काम किससे पूछूं वाले दिन भर होते हैं, और किससे पूछूं इस प्रश्न का उत्तर मिलने का समय एक ही है, अमृत वेला। जीवन में जब प्रश्न आ जाए, डिसीजन लेना है, तो कम से कम
एक अमृत वेला संपूर्ण समर्पित करना होगा उस चिंतन के लिए, एक अमृत वेला पूरा समर्पित करना होगा उस चिंतन के लिए। अगर वो वजन कम करना है, छोटा सा उदाहरण, तो एक अमृत वेला पूरा समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि चिंतन प्रखर होता है केवल अमृत वेला। डेली उसका रिवीजन होगा उस संकल्प का। हम बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति विकर्म कर रहा है बार बार, अमृत वेला भी कर रहा है, पर अमृत वेले में वो याद कर रहा है, ड्रिल कर रहा है, संबंध निभा रहा है, चक्र लगा रहा है, सकाश दे रहा है, पर वो जो चीज है जीवन की उसके बारे में नहीं सोच रहा है। वो इसके बारे में दिन भर सोचता है, अमृत वेला नहीं सोचता है, अमृत वेला कुछ और करता है। इसलिए कहा एक अमृत वेला समर्पित करना होगा पूरा उस चिंतन के लिए, उस चिंतन के साथ बैठना होगा कि ये है अब क्या किया जाए। बाबा ने मुरलियों में कहा है कभी कभी अमृत वेला उठकर भाषण लिखो। अमृत वेला भाषण लिखने के लिए कि योग करने के लिए? मुरलियों में आया है योग तो है ही, परंतु अमृत वेला चिंतन का भी समय है, क्योंकि जो चिंतन अमृत वेला होता है वो सारे दिन भर नहीं होता है। एक होता है अमृत वेला मुरली पढ़ लेना, एक होता है सारे दिन भर पढ़ो, इतनी घुसती नहीं अंदर। 12 बजे मुरली पढ़ो और सुबह 5 बजे मुरली पढ़ो, अंतर है कि नहीं? एक होता है 5 बजे मुरली पढ़ लिया, जैसे अमृत वेला पूरा हुआ हाथ में मुरली और उसका 15 मिनट चिंतन कर लिया शक्तिशाली, सारे दिन भर उसका असर। 12 बजे मुरली पढ़ने बैठो, इधर मैसेज आ रहा है, इधर कुछ आ रहा है, इधर कॉल आ रहा है, इधर घंटी बज रही है, इधर भूख लगी है, डिस्ट्रैक्शंस, दूसरे दूसरे विचार आ रहे हैं। इसके लिए सरेंडर की पहली परिभाषा है श्रीमत के अंडर, श्रीमत को समझना, मर्यादाओं को समझना और ये चेकिंग करना मैं किस मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूं। दूसरा सरेंडर अर्थात सर अंडर, सर अंडर, सर अर्थात हेड, हेड अर्थात आई, आई अर्थात ईगो, अहंकार। जैसे वो घास होती है ना पानी के अंदर, पानी के अंदर इधर से पानी आता तो इधर हो जाती है, उधर से पानी आती तो उधर हो जाती है। अगर वो कहे मैं नहीं, अकड़ के खड़ी रहे तो उखाड़ दे, उखाड़ के फेंक देगा वो पानी। इसका मतलब हार मानना नहीं है, ये हार मानना नहीं है। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है। उर्दू में कहते हैं अना की जंग में हार जाओ। अना होता है, अना की जंग में हार जाओ, अना अर्थात अहंकार, अना, अना की जंग में हार जाओ। जहां जहां अहंकार का युद्ध होगा वहां हार जाओ। उस हार में ही क्या समाया हुआ है? जीत। क्योंकि जितने झगड़े हैं संसार में व्यक्तियों के बीच किस कारण है? अहंकार के कारण है। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, पहले वो बोले हम क्यों बोले? गलती उसकी है, उसने माफी मांगनी चाहिए, हम क्यों माफी मांगे? हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। झुक झुक के हमेशा हम ही। तो सरेंडर अर्थात सर अंडर, सिर अर्थात उस मैंपन को झुका दिया। क्यों झुका दिया? बाप की अंतिम शिक्षाएं क्या है? तीन में निरंकारी भव। इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, इसलिए नहीं कि हम गलत है, इसलिए नहीं, क्योंकि ये बाप की आज्ञा है, निरंकारी बन जाओ। ये भगवान आदेश दे रहा है, और जो भगवान आदेश दे तो आदेश का पालन करने के मार्क्स बहुत ज्यादा होंगे। हो सकता है हम राइट है, फिर भी आरोप लगाए गए, कुछ कुछ बोला गया, झूठे इल्जाम, बहुत कुछ,
फिर भी हार मान लेना, क्योंकि ऊपर तो पता है ना उसको कि हम राइट है। तो सरेंडर अर्थात दूसरा सिर अंडर, तीसरा सरेंडर अर्थात ब्लंडर फ्री, ब्लंडर अर्थात भूल, ब्लंडर अर्थात गलती, ब्लंडर अर्थात गफलत, अभूल। क्योंकि बार 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 ब्लंडर अगर करते रहे, एक होता है मिस्टेक एक है ब्लंडर, दो शब्द है। मिस्टेक अर्थात छोटी गलती, ब्लंडर अर्थात बड़ी गलती, अपराध की एक श्रेणी का शब्द है ब्लंडर। क्राइम तो नहीं है पर ब्लंडर बहुत बड़ी गलती होती है। बार बार ब्राह्मण जीवन में गलतियां ही गलतियां हो रही है और देहभान की गलतियां बार बार हो रही है, तो इसको सरेंडर नहीं कहेंगे। सरेंडर बहुत ऊंचा शब्द है, इसका संबंध ना तो वस्त्र से है, ना तो बैच से है, ना स्थान से है, ना समारोह से है। इन चारों चीजों से इसका बहुत दूर दूर का संबंध नहीं है। समर्पण कोई समारोह नहीं है, सेरेमनी। समर्पण स्थिति का नाम है, समर्पण किसी वस्त्र का नाम नहीं है, समर्पण किसी बैच का नाम नहीं है, समर्पण किसी स्थान में रहने का नाम नहीं है। सरेंडर अर्थात ब्लंडर से मुक्त, कोई भी भूल ना हो, अभूल अवस्था का नाम सरेंडर है। और जितनी हो सके कम से कम भूले होती रहे, कम से कम जीरो ब्लंडर बहुत ऊंची अवस्था है, पर जितनी हो, अगर हो भी गलती तो तुरंत उसको ठीक कर देना। गलती हुई है तुरंत उसको ठीक कर देना, गलती उस गलती का विश्लेषण करना, गलती का एनालिसिस करना, ये जो गलती हुई है क्यों हुई है, जैसे अचानक चलते चलते किसमें लगाव उत्पन्न हो गया, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मिस करने लगता है, फोन करता है, क्यों, कोई कारण नहीं है, याद आ रही है इसलिए, तो लगाव हो गया ना। दादी की बात उस दिन भी बताई थी क्लास में प्रकाशमणि दादी ने, कि मुझ मैं बाबा से ज्यादा और किसी से प्यार ना करूं, और दूसरा कोई बाबा से ज्यादा मुझसे प्यार ना करे। दैट इज द सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे मुझे बाबा से ज्यादा मेरे प्यार में ऐसे पागल ना हो जाए कि बाबा को ही भूल गए। एक तो है हम दूसरों को बाबा से ज्यादा प्यार कर रहे हैं, पर दूसरे मुझे मेरे प्यार में फंस गए, जरूर मैंने ऐसा कुछ किया है, ऐसे उसको सपोर्ट दिलाया है, ऐसा प्यार उसको ज्यादा दिया है थोड़ा सा, कि जिससे वो बाबा को भूल गया और हमारे में फंसा है, और जिसको हमने ये आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत कर मैं हूं, कुछ नहीं होगा तुमको, तुम आ जाओ इधर, इधर मैं हूं, तुमको सेट करता हूं कहीं, तो वो हमारे भरोसे आया और यहां आने के बाद सेट नहीं हो गया, अपसेट हो गया। अच्छा हुआ। एक रीति से अच्छा ही हुआ। तो सरेंडर अर्थात ब्लंडर से मुक्त। चौथा सरेंडर अर्थात कमांडर, अपने सेंसेस का, अपने इंद्रियों का, अपने सारी अपने शरीर का स्वामी, जो अपने आप का स्वामी है, अपने मन का, बुद्धि का, संस्कारों का, इंद्रियों का कमांडर। तो सरेंडर इक्वल टू कमांडर, जो कमांडर है वो है वास्तव में सरेंडर। तो सरेंडर अर्थात स्वराज्य अधिकारी। कौन सी कर्मेंद्रियों ने आज धोखा दिया, आंखों ने धोखा दिया, हाथ ने धोखा दिया, मुख ने, जबान ने, कान ने। कान कैसे धोखा देता है, सुनकर, किसी की निंदा सुनकर बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ, क्योंकि कई इस दमय से उसके प्रति घृणा थी और आज ऐसा एक व्यक्ति मिल गया उसने उसके प्रति अच्छी बातें बता दी, तो बहुत आनंद, दिल गदगद हो गया। यही तो सुनना चाहते थे, हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि श्रीमत रोक के रखी थी, पर किसी और ने बोल दिया तो दिल का बोझ हल्का हो गया। हमारे मुख की बात किसी ने बोल दी पर हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम तो श्रीमत पर है, हम कैसे किसी की ग्लानी करें, क्योंकि डर है, तुम किसी की ग्लानी करो तो तुम्हारी दुगुना ग्लानी होगी,
भगवान के महावाक्य की बुद्धि में गूंजते रहते हैं, इसलिए कोई दूसरा करता है तो थोड़ा सा ठीक ठाक लगता है कि यही ऐसा ही है। तो सरेंडर अर्थात चौथा, सरेंडर अर्थात कमांडर। किसका कमांडर? शरीर का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने संस्कार का। कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा ना दे। बाबा ने कहा एक एक कर्मेंद्रिया कैसी है? छीछी है, दुर्गंध है कर्मेंद्रियों में, बदबू है एक एक कर्मेंद्रियों में, विकारों की बदबू है। कर्मेंद्रियों को आदत ही है इनकी, बहुत उसको निचोड़ के धोना पड़ेगा, इतना उसमें गंदगी डर्ट भरी पड़ेगी। तो कर्मेंद्रियों को थोड़ा सा धुलाई होनी चाहिए कर्मेंद्रियों की। तो सरेंडर अर्थात कमांडर, सरेंडर अर्थात कैलेंडर, कैलेंडर अर्थात चार्ट, कैलेंडर अर्थात ग्राफ, कैलेंडर अर्थात अपना ही कैलेंडर खुद रखना, अपना ही चार्ट रखने वाला, दूसरों का चार्ट नहीं अपना चार्ट, दूसरों का निरीक्षण नहीं अपना निरीक्षण, दूसरों को आईना नहीं दिखाना है स्वयं को आईना दिखाना है, अपने ही आईने में देखो प्यूरिटी कहां तक है। दादी प्रकाशमणि ने कहा था ना एक बार मधुबन में, ओम शांति भवन में, अपनी प्यूरिटी की परसेंटेज लिख के लाओ। सबने लिख के लाया और जिसने लिख के लाया बाबा दादी ने कहा सब उसमें डाल दो डस्टबिन में, वो जो बॉक्स था कोई देखेगा नहीं। और फिर बाद में कहा था जिसने 50% से कम लिखा, दादी का निवेदन है वो यहां से चले जाए आउट। जिसने अपनी प्योरिटी की परसेंटेज 50% से कम लिखी है दे शुड बी आउट, वो मधुबन में रहने के लायक नहीं। ये पवित्र भूमि है, जिसकी आंखें दिन भर चंचल होती रहती है, चलायमान होती रहती है, देह की तरफ जाती है, देह के आकर्षण में जाती है, रूप रंग की तरफ आकर्षित होती है, अर्थात अभी तक उसने आत्मा का पाठ ही पक्का नहीं किया है, अर्थात इसने ज्ञान का अभी तक चिंतन चालू नहीं किया है, अर्थात अभी तक ज्ञान गहराई में अंदर नहीं पैठा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो सरेंडर अर्थात कैलेंडर, अपना कैलेंडर, अपना चार्ट, अपना रजिस्टर कैसे रखना है? साफ। बार बार अगर दाग लगते रहे तो पट जाएगा, कितनी बार धोगे? बार बार धब्बे लग रहे विकर्म के, रक्त रंजित दाग लग रहे तो क्या कहेंगे? तो सरेंडर अर्थात कैलेंडर। उसके बाद में कल सरेंडर अर्थात डिफेंडर, अपनी पवित्रता की को डिफेंड करना है, रक्षा करनी है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी जीवन में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जायदाद कौन सी है? पवित्रता। अगर पवित्रता की ही चोरी या अपहरण, हाईजैक, किडनैपिंग हो रहा है तो फिर सबसे बड़ी जायदाद ही चली गई तो हम क्या बन गए? फिर तो गए, बाकी सब ठीक है, अमृत वेला कर रहे, मुरली क्लास जा रहे, सफेद कपड़े और बैच लगा के दिन भर सेवा कर रहे, और प्यूरिटी का अपहरण हो चुका है। तो ऐसी सेवा, ऐसा ज्ञान, ऐसा अमृत वेला, ऐसा बाबा से रूरियान, मुख से बाबा बाबा निकल रहा है, परंतु अपवित्रता, अपवित्रता अंदर समा गई है, शरीर समा गया है, शरीर की वासना समाई हुई है, शरीर खींचता है, तो इसको क्या कहेंगे? कंगाल राजा। राजा है ही नहीं, नाम का राजा है केवल, क्योंकि राजा की सबसे बड़ी संपत्ति है उसकी पवित्रता। तो ब्रह्मा कुमार जीवन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है प्यूरिटी। अगर यही चोरी हो गई है तो क्या कहेंगे? संडे की मुरली, दिव्य बुद्धि क्या है? पांच चीजें कल रात में भी बताया। दिव्य बुद्धि क्या है? गिफ्ट। दिव्य बुद्धि क्या है? छत्र छाया। दिव्य बुद्धि क्या है? लिफ्ट। दिव्य बुद्धि क्या है? प्लेन। दिव्य बुद्धि क्या है? पात्र। पांच चीजें हैं। गिफ्ट है तो चोरी ना हो, छत्र छाया है तो माया की छाया ना पड़े, नहीं तो छत्र उड़ जाएगा, लिफ्ट है तो बीच में खराब होके रुके ना, ना ऊपर ना नीचे, लटक रहे त्रिशंकु की तरह, ना इधर ना उधर,
मंजू बहन, टॉपिक था आपका, उधर जाऊं कि उधर, दोनों तरफ से गए, दुविधा में दो गए, ना माया मिली ना राम, राम भी गया हाथ से, माया भी नहीं, उधर के भोग भी भोग नहीं सकते, इधर का अतीन्द्रिय सुख भी नहीं मिल रहे, न घर के न घाट के, ऐसे ही भोग रहे बस। प्लेन, जैसे पर्वतों पर जाकर राख डालते हैं, जैसे हिमालय पर जाकर राख डालते हैं, जैसे नदियों पर राख डालते ताकि सब जगह फैल जाए, प्लेन अर्थात बहुत ऊंची स्थिति में चले जाओ, लाइट हाउस माइट हाउस, और शुभ भावना शुभकामना फैलाओ, ये है दिव्य बुद्धि। क्रैश ना हो ये प्लेन, कोई हाईजैक ना कर ले जाए, दिव्य बुद्धि का प्लेन, दूसरे आ गए और हाईजैक करके लेके चले गए अपने देश में। और ये सोने का पात्र है, सिल्वर कॉपर एलॉय मिक्स ना हो, इतने पांच उदाहरण दिए दिव्य बुद्धि के, और एक एक को एक एक रीति से समझाया, संसार के उदाहरण दिए क्योंकि तुम लोगों को संसार की भाषा समझ में आती है, ऐसे बाबा कहते हैं। निराकार है दिव्य बुद्धि, कैसे समझाएंगे, इसलिए यहां यहां के उदाहरण दिए, नहीं तो लिफ्ट से क्या लेना देना बुद्धि का, ना फ्लाइट से, ना कंटेनर से, ना ये छत्रछाया से, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये उदाहरण समझाने के लिए दिए। तो सरेंडर अर्थात डिफेंडर, अपनी प्यूरिटी के डिफेंडर, उसके बाद में सरेंडर अर्थात फाउंडर, नेक्स्ट सरेंडर अर्थात फाउंडर, किसके फाउंडर, दैवी साम्राज्य के फाउंडर हृदय में। लियो टॉल्स्टॉय की किताब है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, स्वर्ग का राज्य कहां है, कहीं आकाश में नहीं, कहीं धरती पर नहीं, तुम्हारे भीतर है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। एक दैवी साम्राज्य अपने अंदर स्थापित करना है, एक दैवी साम्राज्य जिसमें गुणों के घर, महल, झरने, नदी, तालाब सब कुछ हो, एक राज्य हमारे अंदर हो, ज्ञान योग के गांव जिसमें बसे हो, शक्तियों की सेना हो, ऐसे बहुत सारा बना सकते हैं। कौन सा साम्राज्य, दैवी साम्राज्य जो हृदय में हो वो कौन सा है, कैसा हो, और अभी कौन सा साम्राज्य, अभी विकारों के गांव बसे हैं। नदी है विषय वैतरणी जो अंदर बह रही है, वाटिका है छोक वाटिका जिसमें बैठ के हर चीज को उबालते रहते हैं, तेल से गुजारते रहते हैं, री इंजीनियरिंग करते रहते हैं, पोहा बना है पर उसको थोड़ा ठीक ठाक करना है, चावल है व्हाइट उसका कलर चेंज करो, दाल बनी है पर उसको फ्राई कर दो तो ठीक हो जाए, नवीनता, री इंजीनियरिंग, क्रिएटिविटी ये चालू है, इसके गांव बसे हैं फाउंडर। उसके बाद में सरेंडर अर्थात अगली परिभाषा सरेंडर की, जेंडर, जेंडर से परे, जेंडर अर्थात स्त्री पुरुष देवभान, ये जेंडर कॉन्शियसनेस है, मैं स्त्री हूं, मैं कोमल हूं, मैं नाजुक हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं, स्त्रीत्व पुरुषत्व से परे, सरेंडर अर्थात जेंडर से परे अवस्था। बाबा ने कहा भाई भाई, बस भाई 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 भाई, भाई देखो यह हतियाला बांधो, जेंडर कॉन्शियसनेस से परे ये सरेंडर है। उसके बाद में सात हो गए, आठ हो, उसके बाद में अगला सेंडर सरेंडर अर्थात स्प्लेंडर, स्प्लेंडर अर्थात रौनक, स्प्लेंडर अर्थात प्रकाश, सारे विश्व में अपना प्रकाश फैलाने, अपना उजाला, अपना आलोक फैलाने वाले, अपना स्प्लेंडर फैलाने वाले अर्थात सरेंडर। तो अपना स्प्लेंडर सारे दुनिया में फैलाने वाले। उसके बाद में सरेंडर अर्थात थंडर, थंडर अर्थात बादल गरजते भी है और बरजते भी है, थंडर दुनिया में गरजना है और क्या करना है, बरसना है जोर से, ऐसी मूसलाधार बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश कि दुनिया में लोगों के मन के विकारों के गांव शहर सब कुछ बह जाए, बाढ़ आ जाए एकदम, एक एक विकार एक एक घरों में जो बसा है बेचारा मर जाए और कोई राहत कार्य उपलब्ध ना हो।
ऐसी मूसलाधार बारिश करनी है संसार में, ऐसी भयंकर बारिश, टॉरेंशियल रेन और कंटिन्यूअस रेन, सब ओवरफ्लो हो जाए और सारे विकार कीचड़ा भस्म हो जाए। तो सरेंडर अर्थात जो थंडर करने वाले गरजते हैं। बाबा ने कहा तुम बादल हो, मधुबन आए हो किस लिए? इतने सारे कुमार आए ना, किस लिए आए? भरने के लिए। अब यहां से भर के जाओ और वहां जाके सीधा बरसना चालू करो। तो बादल अर्थात जो बरसने वाले, थंडर। तो सरेंडर अर्थात थंडर। उसके बाद में सरेंडर अर्थात रिमाइंडर, स्वयं को और दूसरों को रिमाइंडर देने वाले। कौन सा रिमाइंडर? अब घर जाना, इधर का हिसाब पूरा करो। कब तक विस्तार करोगे मोह का? मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसा, मेरा वैसा। मोह सारे विराग राग, मोह विराग हुए हैं, राग विराग हुए हैं। क्या सुना गीत में? सारे राग विराग हुए हैं, मोह सारे त्याग हुए हैं। राग विराग बन जाए, जैसे विराग में आते हैं आत्मा निर्भय हो जाती है। राग में है तो भय है, छूट ना जाए, पकड़ के रखना होता है। राग में रस्सी को जितना जोर से पकड़ोगे यहां पर निशान होंगे, रस्सी को छोड़ो तो घाव कम हो जाएंगे। अभी पकड़े हुए ऐसे खींचे हुए, लाल लाल हाथ और मेहनत और मुट्ठी बंद और दर्द, और चिल्लाते इतना दर्द क्यों हो रहा है? दर्द कम होना चाहिए। छोड़ो तो छूटे। पकड़ा किसने? तुमने ही पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? जाने दो। हम सोच रहे उसको चाहिए, उसको तो चाहिए नहीं। तुमने ही पकड़ के रखा है उसको। तुम छूटो तो वो मुक्त हो जाए, वो तो चाहता ही वो है। ऐसा होगा नहीं। तो सरेंडर अर्थात सरेंडर अर्थात रिमाइंडर देने वाले। उसके बाद में सरेंडर अर्थात सेंडर, सेंडर अर्थात भेजने वाला। क्या भेजेंगे संसार में? सकाश। क्या भेजेंगे संसार में? शुभ भावना, शुभकामनाएं। सकाश देना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है। एक है स्थूल सेवा जो कर रहे हैं सभी दिन भर, पर उससे भी बड़ा कर्तव्य है मनसा सेवा, सूक्ष्म सेवा, सेंडर बन जाना, स्पिरिचुअल सेंडर, भेजने वाला। क्या भेजेंगे? सकाश भेजेंगे, वाइब्रेशंस भेजेंगे, शुभ भावना, शुभकामनाएं भेजना है। क्योंकि आत्माओं को शब्द स्पर्श नहीं करते हैं, स्पर्श लग कर वापस आ जाते हैं। जो कठोर दिल है उनको कैसे पहुंचेंगे उन तक? वाइब्रेशन से, प्रकंपन से, सीधा प्रकंपन से उनकी छाती में झंडा गाड़ के आ जाना है, अमृत वेला। फिर देखना सुबह क्या करते हो, सुबह सुबह छाती में झंडा गाड़ के आ जाना। चुप चुपके से जाके झंडा गाड़ के आ जाना है, फिर देखना क्या होता है। तो सकाश देना हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य, सरेंडर अर्थात सेंडर। उसके बाद में सरेंडर अर्थात प्लंडर, प्लंडर अर्थात लूटना। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो माया हमको ना लूटे और दूसरा हम बाबा को पूरा लूट ले, उसका जितना खजाना है वो प्लंडर कर ले। प्लंडर अर्थात लूट, हप कर ले उसका सारा ज्ञान, एक एक ज्ञान, एक एक ज्ञान की पॉइंट ऐसी हप कर ले, ऐसी हप कर ले कि वो खुद सोचे ये मैंने सुनाया है। ये भी था क्या मेरे पास? पर ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसके ज्ञान को प्लंडर कर ले। और दूसरा माया हमसे हमारा खजा कभी भी प्लंडर ना कर सके। दिव्य बुद्धि का खजाना, दिव्य बुद्धि गिफ्ट है, माया ना ले ले। बाबा ने कहा मन मत पर मत, और माया लेके भाग जाती है। इसको छिपा के रखो, इसको प्रिजर्व करके रखो, इतना अंदर छिपा के रखो कि माया इस तक पहुंचे ही नहीं। इतने ताले लगा के रखो अंदर ही अंदर, ताले पे ताला, ताले पे ताला, ताले पे ताला। केवल डबल लॉक नहीं, ट्रिपल लॉक, फोर टाइम्स लॉक, ऐसे बहुत सारे तालों के अंदर रख देना। और
तो ब्लंडर, उसके बाद में लास्ट वंडर, सरेंडर अर्थात जो वंडर। बाबा कहते हैं कि आत्मा के ऊपर सोचो कैसी वंडरफुल ये आत्मा है, ये ड्रामा के ऊपर सोचो कैसा वंडरफुल ये ड्रामा बना है, एकदम गहन चिंतन में चले जाओ, आश्चर्यचकित हो जाओ, अवाक रहो देखकर ये क्या है, कैसा है, इतनी छोटी आत्मा इतना सारा पार्ट कैसे सब हो रहा है। ज्ञान की एक एक पॉइंट के बारे में सोचो, वो दूसरा है, वो है एक है वंडर, एक होता है सरप्राइज, दो शब्दों में अर्थ है, अंतर है, एक है आश्चर्य एक है विस्मय। आश्चर्य बाहर है, विस्मय अंदर है। आश्चर्य भय से उत्पन्न हो सकता है, आश्चर्य में अच्छा शौक ये हो गया, ये आश्चर्य, मुझे तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था ये भाग जाएगा यहां से, ये तो बहुत अच्छा कुमार था, कहां चला गया पता नहीं, चतुर्भुज कैसे बन गया ये तो कभी सोचा नहीं था, ये है सरप्राइज। एक है विस्मय, एक है अवाक, भौचक्का रह जाना, शॉक सरप्राइज। वो उसकी बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे वंडर की, ओहो ये है वंडर, ये है विस्मय, विस्मय का भाव अंदर जागे, अच्छा आत्मा इतनी छोटी इतना बड़ा पार्ट, अच्छा आत्मा समझ के बाबा को याद करना, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं था, ऐसा मुरली पढ़ते हुए बोलना अपने आप से, ये मत कहना ये तो मैं रोज रोज ही सुनता हूं, ये तो वही वही सुना रहा है, ये तो कल भी सुना था आज भी सुना, आज भी बोला कल कुछ बोला था आज बोला, अच्छा ये ज्ञान दूध है, ओहो हमने तो कभी देखा भी नहीं था, दूध और ज्ञान, रोज दूध को देखते पर कभी ये नहीं सोचा कि ये ज्ञान दूध के जैसा है, तो वो हमने कभी दूध का चिंतन ही नहीं किया आज तक। अच्छा ऐसा है, ओ जैसे उस दूध से चाय बनती है, इतनी सारी चीजें बनती है, तो आज सब आपको टॉपिक दे रहे इस ज्ञान दूध से कौन कौन से व्यंजन बनाए जा सकते हैं, रुको एक नहीं, दूध से बनने वाले व्यंजनों की लिस्ट कितनी है निखिलेश भाई, कलकत्ता में कितने दूध से व्यंजन कितने बनते हैं, रसगुल्ला संदेश, कितने सारी मिठाइयां, तो एक दूध से इतनी चीजें बनती है, तो ज्ञान दूध से लिस्ट ऑफ आइटम्स, कौन कौन सी रेसिपीज, ये आज सब आपका टॉपिक है। मुरली अभी सुनेंगे, उसमें सुनना कि ये ज्ञान दूध कौन पिलाता है, ब्रह्मा माँ, तो इस ज्ञान दूध से बनने वाली रेसिपीज की लिस्ट क्या क्या है, जो भी है, पर विस्मय, ओहो कैसे बोलना वैसे नहीं, और एक बार बोलो ओहो ऐसे मुरली पढ़नी, अच्छा ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ओहो इसमें ऐसा है, अच्छा मन बुद्धि को एकाग्र करो तो अशरीर बन जाओगे, अच्छा बाप का अगर साथ रहेंगे तो विकारी वाइब्रेशंस का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा बाप जैसे ऊंची स्थिति में वैसे तुम भी ऊंची स्थिति में रहो, अच्छा ऐसे क्या बोला है, अच्छा चलो आबू अगर देवताओं का झुंड देखना है तो चलो आबू, अच्छा देवताओं का झुंड है, कहां है झुंड, ओहो तो ये है वो झुंड, अच्छा इसको कहते हैं विस्मय वंडर, ओहो बाबा है अभोक्ता पर वंडर जरूर खाता है, एक ही तो चीज खाता है बेचारा वंडर, दूसरी कोई भी चीज नहीं खाता ना, खांसी तो ब्रह्मा खाता है तो विस्मय का भाव जागृत करना है, छोटे बच्चे में कैसा विस्मय होता है, छोटे छोटे सीप बीनता है रेत से, अच्छा ओ, और बड़े टाइम वेस्ट टाइम वेस्ट। तो सरेंडर अर्थात ये 14 बातें, सबसे पहला सरेंडर अर्थात श्रीमत के अंडर, दूसरा सरेंडर अर्थात सिर अंडर, तीसरा सरेंडर अर्थात ब्लंडर से मुक्त, कोई भी भूल से मुक्त, कोई भी मिस्टेक से मुक्त, चौथा सरेंडर अर्थात कमांडर, पांचवा कमांडर सरेंडर अर्थात कैलेंडर, जो अपना चार्ट रखे, अपना पोता मेल रखे, अपना रजिस्टर रखे, और रजिस्टर भी बेदाग हो, इस रजिस्टर में ब्राह्मण जीवन के कोई भी दाग, अगर दाग लगे हैं तो आज ही मिटा दो,
जबरदस्त तपस्या से, संकल्प से, लेजर बीम से। उसके बाद में सरेंडर अर्थात डिफेंडर, अपनी पवित्रता की रक्षा करने वाले, अपने स्वमान की, अपने सम्मान की, आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले। सबसे बड़ा खजाना पवित्रता है, सबसे बड़ा खजाना दिव्य बुद्धि है। कोई भी इसको चुरा ना पाए, अगर किसी ने चुरा लिया तो वापस जाके ले आओ, जहां पर भी चुराया होगा वापस। दिव्य बुद्धि हमारा बहुत बड़ा खजाना है। उसके बाद में जेंडर से, ये फाउंडर, हमें अपने अंदर ही फाउंडेशन डालनी है एक नए राज्य की, जिसमें शुभ भावना हो, शुभ कामना हो, सबके लिए माफी हो। कल था ना पर्युषण था ना, कल अंतिम दिन था, मिच्छा मि तुकड़म, जो माफी, जो गलती किया होगी मुझे माफ कर दो, मिच्छा मि तुकड़म, मिच्छा मि तुकड़म। उसके बाद में जेंडर से परे, कोई भी जेंडर का भाव नहीं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये स्त्री है, ये नहीं कर पाएंगे, अरे ये बहनों तुम नहीं कर पाओगे, हम करेंगे, ये भी तो अहंकार है, ये बहनों का काम नहीं है, भाइयों का काम है। चलो इसमें सम्मान भी है परंतु इसमें अहंकार भी है, ये तुमसे नहीं होगा, ये हम करेंगे। उसके बाद में स्प्लेंडर अर्थात रौनक, चमक, विश्व में फैलाने वाले। उसके बाद में सरेंडर अर्थात थंडर, गरजने वाले और बरसने वाले भी। उसके बाद में सरेंडर अर्थात रिमाइंडर, दूसरों को देने वाले और खुद को भी देने वाले, मैं करने के आया था, कर क्या रहा हूं, ये ब्राह्मण किस लिए बना था, ब्रह्मा कुमार किस लिए बना था, विकार विषय वासनाओं में डूबने के लिए या तपस्या करने के लिए? लक्ष्य क्या है ब्रह्मा कुमार जीवन का, ये विकारों की दलदल या अतीन्द्रिय सुख? सरेंडर अर्थात सेंडर, भेजने वाले, भेजो, संसार को बहुत आवश्यकता है। उसके बाद में सरेंडर अर्थात प्लंडर, पी प्लंडर, लूटने वाले, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हरि शब्द का अर्थ क्या है, हरि भाई का है, हरि अर्थात हरने वाला अर्थात लूटने वाला, हरि शब्द का ही अर्थ है जो लूट ले। कृष्ण के लिए हरि शब्द का प्रयोग किया गया, जो लूटता है चित्त को लूटता है, जो चित्त चोर है वो। नमो नमो गुरुकुल चोरम, नमो नमो, महिमा है उसकी। उसके बाद में सरेंडर अर्थात भंडर, कैसा भंडर, फिर से भंडर कैसे, ओहो अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था, आज पता चला ये बात, अच्छा। आत्मा समझ के देह के सर्व धर्मों को भूल, बाप रे ये वाक्य तो आज तक कभी सुना भी नहीं, देह के सर्व धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ और फिर बाप को याद कर, इतनी नई बात आज पहली बार सुनने को मिली है। ओहो, ओम शांति।